तक लोगों को मुक्ति धाम पर अंतिम विदाई दी जाती है, जिसके बाद परिजन दूसरे दिन अस्थियां लेने आते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मुक्ति धाम से जिन दो लोगों को अंतिम विदाई दी गई हो उनकी अस्थियां गायब हो गई। इधर मुक्ति धाम से दो लोगों की अस्थियां गायब होने के चलते हड़कंप मच गया। दरअसल मुक्ति धाम में मृतक लोगों के दाह संस्कार से पहले रजिस्टर पर नाम अंकित कर नंबर दिया जाता है। इधर एक व्यक्ति के लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया गया था। जिन लोगों ने अंतिम संस्कार किया था वह लोग दूसरे की अस्थियां लेकर चले गए। मृतक के रिश्तेदार दिलीप जाधव ने बताया कि छोटे भाई रत्नेश का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया था। जब दूसरे दिन अस्थियां लेने आए तो अस्थियां गायब थी। वहीं 13 नंबर पर बुजुर्ग महिला अंतिम संस्कार हुआ था, उसकी अस्थियां वाल्मीकि समाज के लोग ले गए। बताया जा रहा है कि गलतफहमी में अस्थियां बदल गई। इस पूरे मामले में मुक्तिधाम पर मौजूदा नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। रोज मेरे छोटे भाई का देहांत हो गया था, उसका दाह संस्कार कल हमने 2 बजे करा और तीसरा करने के लिए आज हम लोग आए। तो जहाँ पर 13 नंबर पर हमने जो मुखाग्नि दी थी वहाँ से हमारी जो राख वगैरह जो रहती है वो नहीं मिली, कोई अज्ञात आदमी उठा के ले गया। इसमें नगर निगम वालों की बहुत लापरवाही है, गलत फहमी में गई है कि कोई ऐसी आस्था नहीं करी। मतलब लावारिस के चक्कर में उनने मतलब दूसरे को ले गई। लापरवाही यहाँ कर्मचारी की नहीं है, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, लापरवाही जो यहाँ पर बॉडी सोरने आता है वो गलती से ले गया है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।